सो हेलो दोस्तों, आज मैं करने वाला हूँ 3D शेडो फोटो एडिटिंग। अगर आपको भी करनी है 3D शेडो फोटो एडिटिंग तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो स्लो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पिक्सेल लैब ओपन कर देना है, फिर वाइट बैकग्राउंड को ले लेना है। जितना होने के बाद ऊपर आप देख सकते हो एक प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। देन नीचे फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करना है। फिर वहाँ से आप फोटो को ले लीजिए। फोटो को लेने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करना है। फिर दोनों बीच वाले पर क्लिक करके फ़ोटो को सेंटर में कर लेना है। इसके बाद फ़ोटो को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। फिर से जाना आपको रिलेटिव पोजीशन पर एंड दोबारा से आपको इसे बीच में कर लेना है। इतना होने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आपको नीचे शैडो का ऑप्शन दिख रहा है, उसको इनेबल कर देना है एंड ब्लर रेडियस को फुल कर देना है और ऑफसेट एक्स को -19 तक कर लेना है और ऑफसेट वाई को +37 के आसपास कर लेना है। इतना होने के बाद डन कर लीजिए। इसके बाद आपको आइनर शेडो का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसे इनेबल कर दीजिए एंड ब्लर रेडियस को फुल कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। यहाँ पर यहाँ पे येलो ब्लू, मैं यहाँ पे ब्लैक कलर को ले लेता हूँ। इस तरीके से आप फोटो को एडिट कर सकते हो। ऊपर एक शेयर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए एंड क्वालिटी को अल्ट्रा पर देन सेव टू गैलरी पर क्लिक करके फोटो को डाउनलोड कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।